हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 देखा है। आज हम सीख रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.3। देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2 इन दोनों वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है। आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे लिए हर प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अब हमारा जो ये चैनल है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स 10th स्टैंडर्ड में, 11th में या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी, उन्हें भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि हम इस चैनल पर 10th, 11th, 12th, MST, CET, JEE इन सभी का मैथमेटिक्स हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलो हम आज सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन यूज़ करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। प्रैक्टिस सेट 2.2 में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है, लेकिन वहाँ पे यूज़ किया हमने फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे यूज़ करना है हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए, जब भी आपको ये मेथड यूज करना है, कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमारे मेथड का नाम क्या है अभी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड जब भी हमें यूज करना है, हम एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखेंगे, एक बात पे हमें गौर करना पड़ेगा कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। इस प्रॉब्लम में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो फिर यहाँ पे हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन प्रॉब्लम 4, 5, 6 में स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स रादर दैन 1, मतलब 1 नहीं है, 1 छोड़ के अलग है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो इस टाइप के इक्वेशन में पहले हमें स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट को 1 लाना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहां पे हमेशा स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, उसके बाद ही हम वहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 1 देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ यूज करना है हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, तो हम मिडल टर्म की तरफ जाएंगे। हम मिडल टर्म किसे कहेंगे, जिस टर्म के वेरिएबल का पावर 1 है उसे कहेंगे मिडल टर्म। ये यहाँ पे मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म है, और ये मिडल टर्म है। ठीक है ना, इन्हें हम मिडल टर्म्स कहेंगे। जब भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, एक बात और हम देखेंगे, ज़रूरी बात, कि हमारी पूरी टर्म राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में रहनी चाहिए और राइट हैंड साइड में 0 रहना चाहिए। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में पूरी टर्म्स और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रहना चाहिए, मतलब इस टाइप का इक्वेशन हमारे पास रहना चाहिए, तभी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां पे यूज करेंगे। अब देखिए, हम जाएंगे मिडल टर्म की तरफ। क्या मिडल टर्म हमारी, एक्स। ये जो मिडल टर्म आपको दिखता है, इस मिडल टर्म का हम कोएफिशिएंट देखेंगे कितना है, कितना यहां का कोएफिशिएंट 1। क्या है कोएफिशिएंट 1, और ये जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, इस कोएफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। इतना किए बाद इस टर्म का हम स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर मिलेगा हमें 1/4, और ये टर्म हम प्लस और माइनस करेंगे यहां पे। समझ रहे हैं आप, देखिए, तो फिर क्या करना है, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो। अब ये वन बाय फोर कहाँ से आया है? हमने क्या किया, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखा, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को हमने टू से डिवाइड किया तो हमें वन बाय टू मिला, वन बाय टू का हमने स्क्वायर लिया हमें वन बाय फोर मिला। तो ये वन बाय फोर हमें प्लस और माइनस करना है। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखिए अगर आप इन तीनों टर्म्स के बारे में सोचेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इस टर्म का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, एक्स मिलेगा मुझे। यहाँ पे जो वन बाय फोर है इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, ये मुझे वन बाय टू मिलेगा। मिडल टर्म का साइन देखूँगा मैं कितना है, प्लस, ये यहाँ पे लिखूँगा और ब्रैकेट का स्क्वायर लूँगा। अगर आपने इसको एक्सपांड किया एक्स प्लस वन बाय टू ब्रैकेट स्क्वायर को, तो डेफिनेटली आपको एक्सपांशन यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय फोर। समझ रहे हैं आप, बहुत सिंपल है। क्या किया हमने, इस टर्म का स्क्वायर रूट लिया, इस टर्म का स्क्वायर रूट लिया, मिडल टर्म का साइन यूज किया, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स प्लस वन बाय टू ब्रैकेट स्क्वायर, और ये दोनों टर्म से हम माइनस साइन बाहर लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें वन बाय फोर प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास ज़ीरो। समझ रहे हैं, अब ये एक्स प्लस वन बाय टू ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इन दोनों का सम लेना है, सम लेना है तो दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करने के लिए इस फोर से हमें इस ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस एटी अपॉन फोर, क्योंकि फोर ने अगर हमने ट्वेंटी को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर ट्वेंटी मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा अब एक्स प्लस वन बाय टू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, ये मिलेगा हमें एटी वन अपॉन फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम ये माइनस एटी वन अपॉन फोर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें x प्लस वन बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रहेगा 81 अपॉन 4, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये अगर स्क्वायर टर्म है तो राइट हैंड साइड के टर्म को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए स्क्वायर फॉर्म में लिखना है मतलब यहाँ पे हम इसे इस तरह से ले सकते हैं 9 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, क्या है हमारे पास 9 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और इधर है हमारे पास x प्लस 1 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, x प्लस वन बाई टू यहाँ का स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये आंसर हमें प्लस माइनस 9 बाय टू मिलेगा, ठीक है ना। हमें पता है 9 बाय प्लस 9 बाय टू का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, माइनस 9 बाय टू का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया प्लस में। आप प्लस माइनस 9 बाई 2 का अगर स्क्वायर लेते तो या तो ये टर्म लिख सकते हैं या फिर ये टर्म लिख सकते हैं, इसलिए हमने 9 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस तरह से लिया है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 9 बाई 2, और क्योंकि प्लस और माइनस है मतलब हमें एक जगह पे प्लस लेना है, सॉरी एक जगह पे प्लस लेना है और दूसरी जगह पे माइनस लेना है, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे x प्लस वन बाय टू इक्वल्स टू माइनस 9 बाय टू। समझ रहे हैं आप, देयरफोर x इक्वल्स टू 9 बाय टू माइनस 1 बाय टू और x इक्वल्स टू माइनस 9 बाय टू माइनस 1 बाय टू, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अब इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, x इक्वल्स टू
9 बाय टू माइनस 1 बाय टू मतलब ये हो जाएगा 8 बाय टू, ठीक है ना। और x इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 1 मतलब ये होगा माइनस 10, माइनस 10 बाय टू, x इक्वल्स टू 8 बाय टू मिला और x इक्वल्स टू माइनस 10 बाय टू मिला। देयरफोर x इक्वल्स टू हमारे पास 4 रहेगा और x इक्वल्स टू हमारे पास माइनस 5 रहेगा, और ये यहाँ के सॉल्यूशंस रहेंगे। तो अब हमें लिखना क्या है यहाँ पे, देयरफोर x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट्स रहेंगे। चाहे तो आप x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। देखिए अगर हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 4 और फिर है माइनस 19, आंसर कितना आएगा 0, मतलब x इक्वल्स टू 4 इसे सेटिस्फाई करता है। अब माइनस 5 रखेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना 5, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू माइनस 5 है, 25 माइनस 5 माइनस 20 ये भी कितना होगा 0। मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की है x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5, दीज वैल्यूज आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उन्हें रूट्स कहेंगे या फिर उन्हें हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। ये हमारे रूट्स हैं या फिर सॉल्यूशन है या फिर जीरो भी कह सकते हैं इसको, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5 आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों जीरो, क्योंकि ये वैल्यू हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए बाद हमें आंसर क्या मिलता है जीरो, ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इस तरह से हमने सॉल्व किया है प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। मुझे लगता है मेथड अब आपको पता चली है कि हमें किस तरह से इसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, अब प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया है हमें, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या करना है हमें, सबसे पहले देखना है x स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है क्या, मतलब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है क्या। देखिए यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 ही दिखता है, तो फिर उसके बाद जाएंगे हम मिडल टर्म के पास। पहले हमें स्क्वायर टर्म का देखना है, फिर उसके बाद जाना है मिडल टर्म के पास। अब ये मिडल टर्म हमारे पास क्या है, 2x, ठीक है। मिडल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा, यहां पे 2 दिखता है, उस कोएफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमें कोएफिशिएंट दिखता है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिलेगा 1, और इस टर्म को आपको प्लस इस टर्म के स्क्वायर को, इस टर्म का फिर लेना है हमें स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1, ये टर्म यहाँ पे हमें प्लस और माइनस करनी है, समझ रहे हैं आप। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने 2 से डिवाइड किया, उसका जो हमें आंसर मिला उसका हमने स्क्वायर लिया और वो टर्म हमें प्लस और माइनस करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, समझ रहे हैं। अब इसके बाद हमें इन तीन टर्म के बारे में सोचना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म दिखता है इसका स्क्वायर रूट लेंगे x, लास्ट टर्म दिखता है उसका स्क्वायर रूट लेंगे 1, ये लास्ट टर्म का मतलब ये यहाँ का लास्ट टर्म, ये तीनों टर्म में लास्ट टर्म इसका स्क्वायर रूट 1, मिडल टर्म का साइन प्लस और उसका स्क्वायर,
समझ रहे हैं आप। अगर आपने इसको एक्सपांड किया तो एग्जैक्टली आपको ये थ्री टर्म्स मिलेगी। फिर इसके बाद आपके पास आएगा माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। क्या है, माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स। इसके बाद हम ये टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, मतलब x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 6 मिला है, ठीक है। समझ गया ना हमने क्या किया यहां पे, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग वन। चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हो, मतलब क्या किया, पहले एग्जांपल में लिख दीजिए आप वहां पे, यहां पे भी लिखेंगे हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कितना वन, कहां पे ऑन LHS, LHS में हमने एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए इसको हम, ये स्क्वायर टर्म है तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर टर्म होना चाहिए। अब सिक्स तो किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो इस सिक्स को लिखेंगे हम अंडर रूट सिक्स ब्रैकेट स्क्वायर। इसको क्या लिखा हमने, अंडर रूट सिक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर हमारे पास क्या आया, अब स्क्वायर रूट लिया तो यहां पे लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहां पे हमें मिलेगा x प्लस वन और इधर मिलेगा हमें प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स। पता है ना आपको यहाँ का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स। इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, देखिए इधर लिखते हैं हम दो वैल्यूज कैसे कैसे। देयरफॉर x प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स लिख सकते आप और x प्लस वन इक्वल्स टू माइनस सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स लिखते आएगा। x प्लस वन इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स और x प्लस वन इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट सिक्स, ठीक है। अब ये प्लस वन को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में प्लस वन को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा देखिए रूट सिक्स माइनस वन, ये प्लस वन इधर ट्रांसफर किया तो, और x इक्वल्स टू माइनस रूट सिक्स माइनस वन, ठीक है। तो फिर देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू रूट सिक्स माइनस वन एंड x इक्वल्स टू माइनस रूट सिक्स माइनस वन आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहेंगे। बहुत ही सिंपल है, चाहे तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू सपोज हमने एक वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, अंडर रूट सिक्स माइनस वन रखा, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू इंटू अंडर रूट सिक्स माइनस वन और माइनस फाइव, इसका वैल्यू देखेंगे आप। इसका एक्सपेंशन आपको पता है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस तरह से ये इसका एक्सपेंशन आएगा रूट सिक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट सिक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर। ये पहले तीन टर्म का एक्सपेंशन, अगर टू से मल्टीप्लाई किया तो टू रूट सिक्स माइनस टू, फिर उसके बाद माइनस फाइव, तो ये होगा हमारा सिक्स, तो फिर उसके बाद माइनस टू रूट सिक्स, उसके बाद प्लस वन, फिर उसके बाद प्लस रूट सिक्स टू रूट सिक्स माइनस टू माइनस फाइव, ये आएगा हमारे पास माइनस सेवन, ठीक है। ये माइनस टू रूट सिक्स प्लस टू रूट सिक्स कैंसिल होगा, सिक्स प्लस वन सेवन आएगा, सेवन माइनस सेवन जीरो आएगा। इसी तरह से आप सेकंड वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स है, रूट्स क्या क्या मिले हैं, रूट सिक्स माइनस वन एंड रूट माइनस रूट सिक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर थ्री, अब मेथड आपकी समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल मेथड है जिसे हम कहेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने बीच में वहां पे स्क्वायर कंप्लीट किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कह रहे हैं हमसे, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर थ्री देखिए क्या दिया है हमें, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल्स टू माइनस थ्री।
ये माइनस थ्री को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा हमें एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद देखेंगे हम स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट वन है। जब हमें ऐसा दिखेगा कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट वन है, फिर आगे जाएंगे हम मिडल टर्म के पास, मतलब यम के पास, और यम का हम कोएफिशिएंट देखेंगे कितना है। यम का कोएफिशिएंट हमारे पास माइनस फाइव है। जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट को हम टू से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने माइनस फाइव को टू से डिवाइड किया, इसे ऐसा ही रखना है। अब ये माइनस फाइव बाई टू का फिर लेंगे हम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर। ये टर्म हमें प्लस और माइनस करनी है। यहां पे लिखता हूं मैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये आपको पता चलने के लिए कितना माइनस सॉरी प्लस स्क्वायर है 25 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ LHS, सॉरी नॉट बोथ साइड्स, ऑन LHS। एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 25 बाय 4 ऑन LHS, हमें बोथ साइड में नहीं करना है, सिर्फ LHS में ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। अगर बोथ साइड कहेंगे तो सिर्फ हम ऐड करेंगे, हमने एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कहा है, इसलिए हम सिर्फ LHS का यहाँ पे सिर्फ LHS लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आता है, ये हो जाएगा फिर हमारा एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस 25 बाय 4 माइनस 25 बाय 4 और प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल मेथड है। फिर इसके बाद हमें देखना है इन तीन टर्म्स को क्या करेंगे। हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे, यम रहेगा, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे, 5 बाय 2 रहेगा, मिडल टर्म का साइन माइनस रहेगा, मिडल टर्म का जो भी साइन है साइन यहाँ पे यूज़ करना है, और फिर लेना है हमें ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हमारे पास है यम माइनस 5 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ से हमने माइनस बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा 25 बाय 4 माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हुआ हमारे पास यम माइनस 5 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इससे आगे देखिए, इससे आगे हमें क्या लेना है। m माइनस 5 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, m माइनस 5 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12, ये हो जाएगा 13, 13 बाई 4 इक्वल्स टू जीरो। यहां तक हम पहुंचे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टर्म हमें दिखता है कौन सा माइनस 13 बाय 4, इसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो जाएगा यम माइनस 5 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 13 बाय 4, यम माइनस 5 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 13 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो हमें राइट हैंड साइड के टर्म का भी स्क्वायर लिखना है। 13 बाय 4 का जब हम स्क्वायर लिखने जाएंगे तो 13 तो किसी नंबर का, ये 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब किसी नंबर का वो स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमने 13 की जगह अंडर रूट 13 लिखा। आपने अगर अंडर रूट 13 का स्क्वायर लिया तो आंसर क्या मिलेगा, 13। फिर ये जो हमारे पास 4 है, ये 4 को हमने 2 लिखा और ब्रैकेट का स्क्वायर लिया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, देखिए यम माइनस 5 बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 13 बाय 2 प्लस और माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या,
यम माइनस फाइव बाय टू इक्वल्स टू अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू होगा और यम माइनस फाइव बाय टू इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट थर्टीन बाय टू रहेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो एक बार हमने प्लस वैल्यू लिया है और एक बार हमने माइनस वैल्यू लिया है। देखिए अब इसके बाद हमें यम का वैल्यू, ये माइनस फाइव बाई टू को हम दोनों इक्वेशन में माइनस फाइव बाई टू को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और यम का वैल्यू लेंगे। देयरफॉर यम इक्वल्स टू क्या होगा फिर हमारे पास, ये माइनस फाइव बाई टू को अगर हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो फाइव बाई टू प्लस अंडर रूट थर्टीन बाय टू ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसा ही लिख पाएंगे आप अंडर रूट थर्टीन बाय टू प्लस फाइव बाई टू चलेगा। और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, और यम इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट थर्टीन बाय टू माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। अब इसे लिखते समय माइनस नहीं प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस ही उधर गए बाद प्लस हो जाएगा सॉरी। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यम इक्वल्स टू ये होगा हमारा रूट थर्टीन प्लस फाइव अपॉन टू और यम इक्वल्स टू माइनस रूट थर्टीन प्लस फाइव अपॉन टू, समझ रहे ना। चाहे तो हम फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रखेंगे अंडर रूट थर्टीन प्लस फाइव, या फिर फाइव प्लस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू और यम इक्वल्स टू फाइव माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, दोनों भी सेम है। आपने सॉल्यूशन यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, मैं सिर्फ दिखने के लिए अच्छा दिखता है इसलिए दिख रहा हूँ इसे, ठीक है ना। यम इक्वल्स टू फाइव प्लस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, जनरली हम क्या करेंगे कि इंटीजर पहले लेंगे और फ्रैक्शन को बाद में रखेंगे, जैसे ये तो फ्रैक्शन में आएगा स्क्वायर रूट थर्टीन, इसलिए हमने इसे पहले लिखा फाइव को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर यम इक्वल्स टू फाइव प्लस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू एंड यम इक्वल्स टू फाइव माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इस तरह से हमने अभी तक तीन प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब ये तीनों भी प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू और प्रॉब्लम थ्री, ये तीनों भी प्रॉब्लम में स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट हमें वन दिया गया था, लेकिन अब इससे डिफरेंट है नीचे के तीन प्रॉब्लम है फोर फाइव सिक्स, ये तीनों प्रॉब्लम में स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट वन नहीं है। तो वहाँ पर हमें पहले स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट वन करना पड़ेगा, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखिए अब प्रॉब्लम नंबर फोर हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फोर में क्या है हमारे पास, फोर में हमें दिया है, प्रॉब्लम नंबर फोर में नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये प्रॉब्लम नंबर फोर है हमारा। अब यहाँ पे दिखता है आपको प्रॉब्लम नंबर फोर में स्क्वेयर टर्म का जो कोएफिशिएंट है, स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे वन नहीं है, स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, नाइन है, ठीक है। तो इसे हम वन में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड करेंगे बाय नाइन, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नाइन। जब भी इक्वेशन में स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट आपके पास वन नहीं रहेगा, ऐसे सिचुएशन में जो भी स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट से हम इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ से हम यहाँ पे हम नाइन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम टू से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हमें फाइव से डिवाइड करना है, समझ रहे ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे, अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए
नाइन वाई स्क्वायर अपॉन नाइन आएगा, माइनस ट्वेल्व वाई अपॉन नाइन रहेगा, प्लस टू बाय नाइन रहेगा इक्वल्स टू जीरो। अब ये नाइन इस नाइन के साथ कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर जीरो अपॉन नाइन है तो जीरो ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो ही रखा है। इसे अगर हमने थ्री से डिवाइड किया, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन, प्लस टू बाय नाइन इक्वल्स टू जीरो। वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू बाय नाइन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हम यहाँ तक आए हैं। देखिए अब स्क्वेयर टर्म का कोएफिशिएंट हमें वन मिला है, उसके बाद जाएंगे हम मिडल टर्म के पास। मिडल टर्म ये है हमारा माइनस फोर वाई बाई थ्री, तो मिडल टर्म में हमें जो भी कोएफिशिएंट दिखता है माइनस फोर बाय थ्री, इसको हम डिवाइड करेंगे टू से, हमेशा की तरह। किससे डिवाइड करना है? टू से। तो ये होगा हमारा माइनस फोर अपॉन थ्री इंटू टू सिक्स, माइनस फोर बाय सिक्स मिला, और माइनस फोर बाय सिक्स का आंसर मिलेगा हमें माइनस टू बाय थ्री, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। अब ये माइनस टू बाय थ्री जो मिला है, इस माइनस टू बाय थ्री का हमें स्क्वायर लेना है, माइनस टू बाय थ्री का स्क्वायर ये रहेगा हमारे पास फोर बाय नाइन। इस टर्म को हमें प्लस और माइनस करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए हम क्या लिखेंगे, फिर हम यहां पे लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है? एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फोर बाय नाइन ऑन बोथ साइड्स, नो सॉरी ऑन LHS, सॉरी LHS में हमें करना है सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट। कहाँ करना है हमें? LHS में। आप दोनों साइड भी बोलोगे तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, तो ये बोलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फोर बाय नाइन ऑन LHS। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई बाय थ्री प्लस फोर बाय नाइन माइनस फोर बाय नाइन प्लस टू बाय नाइन इक्वल्स टू जीरो। वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई बाय थ्री, ये टर्म तो एज इट इज था, हमने यहाँ पे उसे प्लस और माइनस लिया, यहाँ पे लेंगे इसके बाद, ये टर्म के बाद हम उसे प्लस और माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने अगर इन तीनों टर्म के बारे में सोचा, देखो क्या मिलेगा आपको, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें y मिलेगा, फिर ये 4 बाय नाइन का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 बाय थ्री रहेगा, और मिडल टर्म का साइन हमारे पास माइनस रहेगा। ठीक है, मिडल टर्म का साइन माइनस, फर्स्ट टर्म का क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे ये तीन जो हमारे पास टर्म है, इन तीनों टर्म में इसे फर्स्ट टर्म और इसे थर्ड टर्म या लास्ट टर्म कहेंगे हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिया, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिया, मिडल टर्म का साइन यूज़ किया हमने माइनस, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट हम स्क्वायर लिखेंगे या फिर ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे तो आपको ये तीनों टर्म्स मिल जाएगी। इसीलिए हम इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने स्क्वायर कंप्लीट किया, देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये टर्म हमारा, यहां से अगर सपोज हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 4 बाय नाइन, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 2 बाय नाइन, एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये होगा हमारा y माइनस टू बाय थ्री ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 माइनस टू, दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 माइनस टू हमारा 2 आएगा, 2 बाय नाइन इक्वल्स टू जीरो। ये टर्म को हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, तो ये होगा हमारा y माइनस टू बाय थ्री ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाय नाइन। अब इसके बाद क्या कहेंगे हम, इसके बाद हमें
अगर ये टर्म हमारा स्क्वायर टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड का टर्म हमारा स्क्वायर टर्म है, तो हमें राइट हैंड साइड का टर्म भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं y माइनस टू बाई थ्री ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट टू अपॉन थ्री ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, देयरफोर अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे हमेशा हम कर रहे हैं, हमेशा यही हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रहेगा वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट टू अपॉन थ्री। अब हम दो वैल्यूज यहां पे लिख सकते हैं, क्यों, प्लस और माइनस है, एक बार हमें प्लस लेना है एक बार हमें माइनस लेना है, तो फिर क्या होगा, देयरफोर वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू रूट टू बाई थ्री एंड, या फिर और लिखिए, और y माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस रूट टू अपॉन थ्री। ठीक है, देयरफोर क्या है फिर, y इक्वल्स टू रूट टू अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री, आप ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, या फिर ये माइनस टू बाई थ्री इधर ट्रांसफर किए बाद पहले हम इस टर्म को लिखेंगे टू बाई थ्री को, टू बाई थ्री और फिर ये रूट टू बाई थ्री। ठीक है ना, देखिए ये माइनस टू बाई थ्री को हमने इधर ट्रांसफर किया और हमारे पास क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू टू बाई थ्री माइनस रूट टू बाई थ्री। ठीक है, देयरफोर y इक्वल्स टू रहेगा 2 प्लस रूट टू अपॉन थ्री और y इक्वल्स टू रहेगा 2 माइनस रूट टू अपॉन थ्री। y इक्वल्स टू 2 प्लस रूट टू अपॉन थ्री और y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट टू अपॉन थ्री। तो यहां पे कहेंगे हम देयरफोर y इक्वल्स टू टू प्लस रूट टू अपॉन थ्री एंड y इक्वल्स टू टू माइनस रूट टू अपॉन थ्री आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहेंगे। चाहे तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, आपको एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मिलेगा। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेप्स अब आपके समझ में आ रहे हैं। पहले हमें देखना है स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है क्या, अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहता है तो फिर हम मिडल टर्म की तरफ जाएंगे और मिडल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो भी स्क्वायर आएगा उस स्क्वायर को हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। बहुत सिंपल मेथड है, सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा आपको, एक बार मैकेनिकल है पूरा, एक बार आपके समझ में आया फिर बाद में आप इसे भूलोगे नहीं। अब ये प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 में 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 दिया है। ठीक है, यहां पे देखिए स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं है। जब भी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहता है तो हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 लाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट से दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये मिलेगा 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास रहेगा यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 9 बाई 2y प्लस सिंप्लीफाई इक्वल्स टू 0। 10 बाई 2 मतलब कितना आएगा, 5। इसके बाद जाएंगे हम मिडल टर्म के पास, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 9 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये होगा हमारा 9 बाई 4।
9/2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 9/4। और इस 9/4 का स्क्वायर देखिए, इस 9/4 का स्क्वायर हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। ये 9/4 जो हमारे पास रहेगा इसका स्क्वायर आएगा 81/16। तो क्या करना है हमें, देखिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कितना 81/16 ऑन क्या कहेंगे LHS। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा आपने ऑन LHS या फिर ऑन बोथ साइड नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हमें 81/16 ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए फिर यहाँ पे रहेगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 9y/2 प्लस, देखिए जब भी आपको ये टर्म ऐड और सब्सट्रैक्ट करना रहता है तो इस मिडल टर्म के बाद ही हम उसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 81/16 माइनस 81/16 प्लस 5=0, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिख पाएंगे, देखिए therefore इन तीनों टर्म के बारे में हमें सोचना है। अब ये y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y आएगा, 81 मतलब थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 9/4 आएगा, कितना आएगा 9/4। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट सॉरी मिडिल टर्म का साइन कितना है प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा और ये ब्रैकेट का स्क्वायर आप देख सकते हैं। इसका अगर आपने एक्सपेंशन लिया तो इसका एक्सपेंशन आपको ये टर्म ही मिलेगी, दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज कम्प्लीटिंग द स्क्वायर। हमने यहाँ पे स्क्वायर कम्प्लीट किया है। अब यहाँ से अगर माइनस साइन हम बाहर लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा 81/16 माइनस 5=0। तो ये रहेगा हमारा y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 81 माइनस 80/16 =0। देयरफोर y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/16 =0, ठीक है। अब इसे लिख पाएंगे हम y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर, इसके बाद हम क्या करते हैं इस टर्म को हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, मतलब 1/16 आएगा। अब इधर का टर्म अगर हमारा स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड का टर्म भी हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये रहेगा हमारा y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर पहले स्क्वायर लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर बाद में स्क्वायर रूट लेंगे इसका। 1/16 किसका स्क्वायर है 1/4 का। अब हम यहां पे क्या कहेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमारे पास रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में y प्लस 9/4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में रहेगा प्लस माइनस 1/4, समझ रहे ना, 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1/4 आएगा। तो फिर ये होगा हमारा देयरफॉर y प्लस 9/4 इक्वल्स टू 1/4 और y प्लस 9/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4। एक बार हमने प्लस लिया एक बार हमने माइनस लिया, therefore हमारे पास क्या रहेगा y प्लस 9/4 ये टर्म हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 9/4 और y इक्वल्स टू माइनस 1/4 माइनस 9/4, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस 8/4
और y इक्वल्स टू माइनस वन माइनस नाइन माइनस टेन माइनस टेन बाय फोर। देयरफोर y इक्वल्स टू हमारा माइनस टू रहा और y इक्वल्स टू हमारे पास कितना रहेगा माइनस फाइव बाय टू। y का वैल्यू एक तो हमें माइनस टू मिलेगा या फिर माइनस फाइव बाय टू मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफोर y इक्वल्स टू माइनस टू एंड y इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय टू आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि हमारे पास तो फैक्टराइजेशन मेथड था। अगर फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास था तो फिर हमने ये मेथड क्यों यहां पे इंट्रोड्यूस किया है। कुछ ऐसे यहां पे प्रॉब्लम है कि जिस आप देखोगे ऐसे इक्वेशंस है कि वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज नहीं कर सकते। जैसे यहां पे अगर देखोगे आप तो फाइव के फैक्टर्स आप नहीं ले पाओगे कि जिसका सम आपको प्लस टू मिले। समझ रहे हैं, यहां पे पॉसिबल है, यहां पे क्या पॉसिबल है, माइनस ट्वेंटी के आप प्लस फाइव और माइनस फोर दो फैक्टर्स ले पाओगे कि जिसका प्रोडक्ट माइनस ट्वेंटी आएगा और सम जिसका प्लस वन आएगा, लेकिन यहां पे फैक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको, यहां पे भी आपको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, इधर भी आपको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, यहां पे फैक्ट मतलब जहां पे फैक्टराइजेशन मेथड का लिमिटेशन आएगा, मतलब वहां पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को हमें इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत यहां पे पड़ी है। समझ रहे ना, हमने पहले देखा फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास था तो फिर हमने ये मेथड क्यों लिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसलिए लिया कि कुछ प्रॉब्लम में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना दिक्कत जाएगी, क्योंकि वहां पे फैक्टर्स हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों कहेंगे, ये भी इसका भी आंसर मैंने आपको बताया। जैसे ये टर्म को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, इसलिए हम इसे कहेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसके बाद हमारा प्रॉब्लम नंबर सिक्स लास्ट ही प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम नंबर सिक्स ये प्रैक्टिस से 2.3 का लास्ट प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम नंबर सिक्स में क्या दिया है हमें, 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 7। देयरफॉर 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब यहां पे हमने क्या किया, राइट हैंड साइड के पूरे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। ऐसा ही करना है हमें, हमें पहले सब टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा करना है, फिर अब इसके बाद देखेंगे हम कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है क्या, नहीं। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है, 5 है। तो मैंने आपको बताया जो भी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट से हमें इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड करना है। मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। अगर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखेंगे हम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, मतलब ये टर्म का, ये टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास है माइनस फोर बाय फाइव। दिखता है आपको क्या है, माइनस फोर बाय फाइव, इसको टू से डिवाइड करना है तो ये होगा हमारा माइनस फोर बाय टेन, फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा। अब इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये मिलेगा हमें माइनस टू अपॉन फाइव। ये जो माइनस टू अपॉन फाइव हमें मिला है इसका हमें स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर हमारे पास फोर बाय ट्वेंटी फाइव आएगा और इस टर्म को
हम यहां पे लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, कितना 4/25 ऑन एल एच एस, या फिर इतना लिखा तो भी चलेगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो फिर देखिए ये टर्म हमारे पास कैसे रहेगा, अब देयरफोर क्या रहेगा, देयरफोर एक्स स्क्वायर फिर -4x/5, और हमें क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, 4/25 +4/25 ऐड करना है और यही सब्सट्रैक्ट करना है, फिर इसके बाद है हमारे पास -7/5 = 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन तीनों टर्म के बारे में हमें सोचना है, कौन सी तीन टर्म्स, ये तीन टर्म्स, ठीक है, ये तीनों टर्म्स के बारे में हमें सोचना है। अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले टर्म का स्क्वायर रूट, पहला टर्म हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा x, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 2/5, फिर मिडिल टर्म का साइन माइनस, और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से माइनस साइन अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा अपने पास 4/25 +7/5 = 0, तो ये होगा हमारा x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर -4/25 प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे 25 होगा। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम करना था, या चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, तो फिर देखिए ये रहेगा हमारा x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 39/25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे रहेगा हमारे पास x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 39/25, देयरफोर x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख पाएंगे हम अंडर रूट 39/5 ब्रैकेट स्क्वायर, लिख पाएंगे अंडर रूट 39 का स्क्वायर कितना आएगा 39 और 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों साइड का हमें स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास रहेगा x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहां पे ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, x -2/5 इक्वल्स टू +√39/5 ऐसा मिला है हमें। ठीक है, इसके बाद हम दो वैल्यूज यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, x -2/5 इक्वल्स टू √39/5 कंसीडर करेंगे और x -2/5 इक्वल्स टू -√39/5, एक बार हमने प्लस लिया एक बार हमने माइनस लिया, यहाँ पे ये -2/5 अगर हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो हमारा x हो जाएगा 2/5 +√39/5 और x इक्वल्स टू 2/5 -√39/5, ठीक है ना, इस तरह से लिखा है हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है,
अब देखिए हमारे पास क्या है, इसे थोड़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। x इक्वल्स टू 2/5 माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस 2/5 हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, समझ रहे हैं ना। x इक्वल्स टू 2/5 प्लस अंडर रूट 39/5 और x इक्वल्स टू 2/5 माइनस अंडर रूट 39/5। Therefore, x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 39/5 और x इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट 39/5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore, x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 39/5 एंड x इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट 39/5 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमने प्रैक्टिस से 2.3 यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। इसे यहाँ पे हमने कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया है। सभी प्रॉब्लम आपके समझ में आए होंगे, आई होप सो। कुछ भी अगर दिक्कत आपको है तो वीडियो के कमेंट्स में आप पे लिख के, आप लिख के भेजिए। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो देखे बाद लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनको भी वीडियोस लाइक और शेयर करने के लिए कहिए और कमेंट तो बनता है। आपने वीडियो देखे बाद वहाँ पे प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, मतलब मुझे भी पता चलेगा कि सच में आपको ये पूरा इलस्ट्रेशन जो है हम जो ले रहे हैं यहाँ पे, हम जो पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, सच में ये प्रोसेस हमारा कैसा चल रहा है, या ये तभी हमें पता चलेगा जब आपका फीडबैक आएगा। आपका मुझे कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कहता हूँ पूरे महाराष्ट्र में आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो अभी 11th 12th या 10th में पढ़ते हैं उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि ये चैनल हमारा उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और हम जैसे 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, आप जो है, हम आपके साथ 3 साल रहेंगे, अब 10th में, अगले साल 11th में, फिर उससे अगले साल 12th में। 11th के जो बच्चे रहेंगे उनके साथ हम 2 साल तक रहेंगे, और यहाँ पे 12th के बच्चों के साथ 1 साल और उनका MST CET और JEE का प्रिपरेशन। ये सभी बातें धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म पे इजी मैथ्स विद पी आंसर इस YouTube चैनल पे बहुत अच्छी तरह से हमारी प्रिपेयर होती रहेगी। सिर्फ मुझे आपके कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरी है, नीड है मुझे उस बात की। हमारा जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस